हेलो रवडीज, वेलकम बैक। लास्ट डायलॉग मैंने सीयूईपी का अपलोड किया था, होपफुली वो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में हम भारतीय विद्यापीठ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे 18 से भी ज़्यादा कॉलेज कैंपस हैं, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पार्क करके आ गए। अभी थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश भी आ रही है। इस साइड में है हॉस्पिटल, भारतीय हॉस्पिटल। यहाँ पे पार्किंग वगैरह है। और पहले हम जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन पुणे रीजन। तो अगर कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट देखी जाए तो है 1964 की बाय इंडियन पॉलिटिशियन एंड एजुकेशनिस्ट पतंगराव कदम। अभी आप आगे देख रहे हो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू है कॉलेज में एंटर करते हैं, विच इज़ अ प्राउड ऑफ होल महाराष्ट्र। वो तो आप सबको पता ही है। अगर कॉलेज कैंपस के बारे में और बात की जाए तो ये कॉलेज कैंपस टोटल 85 एकर्स में है। यहाँ पे 17 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है और टोटल 8 हॉस्टल्स है। वैसे देखा जाए तो भारतीय विद्यापीठ का कैंपस ऑल अक्रॉस द कंट्री है, जैसे कि न्यू दिल्ली, नवी मुंबई, सांगली, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, कराड, सातारा और पाँचगनी। इन सारी जगह पे भारतीय विद्यापीठ का कैंपस है। और इसमें मेजरली देखी जाए तो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस और एग्रीकल्चर, ये सब के कॉलेज हैं। ये है कॉलेज की मेन कमान जो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। और ये आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, विच इज़ प्राउड ऑफ होल महाराष्ट्र एज वेल एज होल इंडिया। महाराज के बारे में तो आप सभी को पता ही है। एक कॉलेज में एंट्री करते ही आपको ये स्टैचू दिख जाएगा, बहुत बढ़िया स्टैचू है। और अभी हम जाएंगे कॉलेज के अंदर। तो देख रहे हैं आप महाराज का स्टैचू एकदम बढ़िया है, ये आपको कॉलेज एंट्री करते ही दिख जाएगा। और अभी हम पहले जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ। सो अपने पीछे है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू और हम जा रहे हैं अभी कॉलेज में। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि भारतीय विद्यापीठ का कैंपस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू द बेस्ट सीन्स इन भारतीय विद्यापीठ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन पुणे एक्चुअली। आई होप यू, आई हैव ऑल्सो अपलोडेड वीडियो ऑफ सीयूईपी कॉलेज, सीयूईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। होप यू हैव, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, होप यू हैव सीन इट। नाउ इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर भारतीय विद्यापीठ। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज में आपको हरियाली हरियाली दिखेगी सभी जगह, ये तो आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में। हल्की हल्की बारिश थोड़ी चालू है। ये आपको जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो है MBBS कॉलेज, और उसके ऑपोजिट में ही आपको दिख जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो चलो यार हम जाते हैं कॉलेज के अंदर, और मैं आपको पहले दिखाऊंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद बाकी के कॉलेजेस दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। कॉलेज के बारे में बताया जाए तो कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट 1983 की है। कॉलेज रिसेंटली गॉट A+ ग्रेड इन इट्स थर्ड साइकिल बाय NAC इन 2017, एज वेल एज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रैंक अमंग टॉप 100 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर 5 ईयर्स बाय NIRF मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एज वेल एज फ्रॉम MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और रिसेंटली की बात बताई जाए तो 2022 में कॉलेज की रैंक NIRF में 131st थी। सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड क्वालिटी ऑफ द कॉलेज इज। तो अब हम चलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। कॉलेज में अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ENTC, IT, मैकेनिकल और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, ये सारे ब्रांचेस हैं। तो इसमें आपको एक एडवांस में बताया जाए तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की ब्रांच मिल जाएगी। अब हम एक कॉलेज के बेसमेंट में, यह कॉलेज की मेन बिल्डिंग। यहाँ पे अपने क्लासेस वगैरह होते हैं सेकंड, थर्ड और फाइनल ईयर के। और कॉलेज की प्लेसमेंट की बात की जाए तो एक यहाँ पे एक अच्छी प्लेसमेंट से, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं TCS, सीमेंस, अमेजॉन, एमेडॉक्स, टाटा कम्युनिकेशन, ELTI, CMS, ये सारे कॉलेज कैंपस में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं।
चलिए अब हम ऊपर चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे बहुत सारी एमएनसीज आती है, सो यू कैन गेट गुड प्लेसमेंट्स इफ़ यू हैव दैट मच गुड कैलिबर। प्लेसमेंट्स के बारे में भी कॉलेज का रिकॉर्ड बहुत सही है, वो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और ये है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारे क्लासेस वगैरह होते हैं, कंप्यूटर साइंस के जो लैब्स हैं ये यहाँ पे है, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के वगैरह तो मोस्ट ऑफ द तो वर्कशॉप में ही होते हैं, ये तो सबको आपको पता ही है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उनके लैब्स हैं यहाँ पे, और यहाँ है सबसे ऊपर, ये तो आप देख ही पा रहे हैं, एकदम बढ़िया कॉलेज है। देखो तो अब हमें फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम जाएंगे कॉलेज की वेस्ट विंग की तरफ। ये है कॉलेज का ऑफिस। वेस्ट विंग में बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और बीटेक के जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होता है, जो सब लोगों का कॉमन होता है, वो वहाँ पे होता है। ये आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आप जब फाइनल ईयर में होंगे इंजीनियरिंग के, उसके बाद जो आपकी प्लेसमेंट होती है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, वो ये यहाँ से कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर ही सकते हो। यह है वर्कशॉप फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स एज वेल एज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हो, उन सब के लिए कॉमन रहता है। और कॉलेज के कट ऑफ की बात की जाए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ये आप देखो, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो एकदम बढ़िया है, और प्लेसमेंट्स भी बहुत बढ़िया है। देखो, और आप अगर पूछ रहे होंगे कि कॉलेज का कट ऑफ क्या रहता है और या फिर लास्ट ईयर का क्या रहता है, वो आप सीईटी के वेबसाइट पे जाके वो पूरे डिटेल्स आप ले सकते हो। और शायद से स्कॉलरशिप भी रहती है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली कास्ट वाइज रहती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको, आप कौन से भी कॉलेज में एडमिशन लिए ना, तो उसके बाद आपको मिल जाएगी कि जनरल वालों को कितनी स्कॉलरशिप आती है, ओबीसी, एनटी, एससी, एसटी, ये सब स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप रहती है। वो यहाँ पे मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ भारती विद्यापीठ। इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय विद्यापीठ का जो धनकवाड़ी कैंपस है, इसमें मोर देन 18 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलेजेस है, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस। तो हम एक एक ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने की। ये जो कैंटीन दिख रही है आपको रेड कलर की, वो है मेडिकल कॉलेज की कैंटीन। सेम कैंपस में एमबीबीएस के लिए भी एक कॉलेज है, तो इसकी एक कैंटीन थी। इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर पर नीचे है, आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे जा सकते हैं, यू कैन एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। वैसे ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए थी, बीएएमएस स्टूडेंट्स के लिए भी अलग है। और आगे आपको दिख रहा है, ये है भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय, दंत महाविद्यालय एंड रुग्णालय। ये बीडीएस का कॉलेज, ये कॉलेज भी एकदम बढ़िया है। देखो तो ये है भारतीय विद्यापीठ डीम यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो चलिए अब हम चलते हैं। डेंटल कॉलेज के बारे में अब ज़्यादा बताया जाए तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुई थी, और यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स ला के यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका गोल एक्चुअली ये था कि ट्रेन द स्टूडेंट्स टू बी मोर कॉम्पिटेंट, कॉम्पेंशिएट एंड कॉन्फिडेंट फिजिशियन टू मीट हेल्थ केयर डिलीवरी नीड्स द सोसाइटी। इस एक बढ़िया गोल और विजन के अकॉर्डिंग कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम बढ़िया है देखो कॉलेज का। और सेम यहीं पे कॉलेज का हॉस्पिटल भी है, तो स्टूडेंट्स के को प्रैक्टिस के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो यहाँ से। ये दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन, डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी। और यहाँ पे आगे जाके लेफ्ट राइट हैंड साइड को है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यहाँ पे कॉलेज के जो ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है वो यहाँ पे की जाती है, आप सब लोगों को तो पता ही है। और अगर आप पीजी करने के सोच रहे हैं आफ्टर बीडीएस, सो यू कैन थिंक अबाउट दिस कॉलेज, कॉज दिस कॉलेज हैज हैविंग लॉट्स ऑफ ब्रांचेस।
लाइक पेरियोडोंटोलॉजी, ओरल एंड मैक्सिफोशियल सर्जरी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, एज वेल एज पेरियोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री। और ये दिख रहा है आपको डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी अंडर ग्रेजुएट सेक्शन। इसके बारे में आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे एक्चुअली, यहाँ पे कौन से ब्रांचेस हैं। और रिसेंटली और ये आपको जिक्र है वो है कॉलेज की बिल्डिंग, यहाँ पे आपके BDS के लेक्चर्स होंगे। रिसेंटली जो आउटलुक का सर्वे हुआ था तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे दिस इज द फर्स्ट बेस्ट प्राइवेट डेंटल कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड 16 इन इंडिया अमंगस्ट ऑल प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। सो यू कैन थिंक हाउ द बेस्ट कॉलेज दिस इज। और यहाँ का स्टाफ भी बताया जाए तो एकदम बढ़िया है। देखो आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं अगर आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि आउटलुक का सर्वे के अकॉर्डिंग तो ये महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है। तो अभी तक हमने इंजीनियरिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज एक्सप्लोर किया है, ऐसे हम बाकी कॉलेज देखेंगे। सो ये जो आगे दिख रहा है आप कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेज है, आई विल शो यू। तो ये है डेंटल कॉलेज और इसके बाजू में ये BHMS का कॉलेज। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है 1909 की, और इसका एक सेपरेट कॉलेज भी है और उसका एक सेपरेट हॉस्पिटल भी है ऑपोजिट साइड में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो कॉलेज का ड्यूरेशन रहता है 5.5 years का, विथ इंक्लूडिंग 1 year कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप विथ एंड इनटेक ऑफ 100 स्टूडेंट्स। और अगर आप यहाँ पे बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन की दैट इज EMD इज ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन 5 स्पेशलिटी सब्जेक्ट्स विथ एन इनटेक ऑफ 6 स्टूडेंट्स पर सब्जेक्ट। दिस कॉलेज इज ऑल्सो हैविंग सेपरेट लाइब्रेरी विथ रिच कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स, इंटरनेशनल जर्नल्स विथ डिजिटल लाइब्रेरी। और इन एडिशन टू दैट दिस कॉलेज इज हैविंग 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 8 क्लासरूम्स, 4 लैब्स, 4 म्यूजियम्स एंड 1 डिसेक्शन हॉल। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉलेज के अंदर। BHMS के लिए भी एक बढ़िया सा कॉलेज है, सेम कैंपस में है, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो डेंटल कॉलेज है उसके बाजू में ही। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम बढ़िया है, देखो ये तो आप देख ही पा रहे हैं। ऊपर आपके क्लासेस वगैरह होते हैं, ये बाजू में था ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। और यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपके क्लासेस होते हैं जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर BHMS। कॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स MBBS या फिर BAMS करने में इंटरेस्टेड होते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन MBBS, BAMS, BHMS और BDS। सो इट वॉज ऑल अबाउट BHMS कॉलेज कैंपस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय विद्यापीठ कैंपस में BHMS, BAMS, MBBS, BDS और उसके साथ BTech भी है। और बाकी कोर्सेज के बारे में बताया जाए तो BSc इन बायोटेक्नोलॉजी नर्सिंग, उसके साथ BPAS यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी है देखो विद इन सेम कैंपस। और उसके साथ सेम कैंपस में होटल मैनेजमेंट और BA इन कमर्शियल फोटोग्राफी एज वेल एज BA इन फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी, ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। और उसके साथ और कोर्सेज बताया जाए तो बैचलर ऑफ पेंटिंग भी सेम कैंपस में कोर्स अवेलेबल है। ऐसे नियरली 18 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है कॉलेज कैंपस में। या नीचे में डिस्क्रिप्शन में कॉलेज कैंपस की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सो अभी जो देखा हमने वो था BHMS का कॉलेज, ये कॉलेज का पिछला गेट एंड यहाँ पे है ग्राउंड। तो अब हम जाएंगे दूसरी साइड, स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम राइट हैंड साइड को जाएंगे तो वहाँ पे है हॉस्पिटल, और लेफ्ट हैंड साइड को इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया है। एज ए मेडिकल स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे MD करने के सोच रहे हो तो फॉर MD यहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, साइकेट्री, रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड डर्मेटोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। अगर इसके कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और ये आपको दिख रहे हैं होम्योपैथिक हॉस्पिटल। यहाँ पे कॉलेज में
और बी एम एस स्टूडेंट्स, बी एच एम एस, एम बी बी एस या फिर बी डी एस, सबके लिए अलग अलग हॉस्पिटल है, तो आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगी। अगर आप कट ऑफ की वगैरह इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट्स पे। और कॉलेज भी बढ़िया है, देखो कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर, ये सब आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप चेक कीजिए। और ये है इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कवर किया है। दिस इज कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड हॉस्पिटल। बारिश तो आना चालू हो गया है। वैसे तो मानसून में पुणे और बारिश का नाता ही कुछ अलग है, आज भी बारिश हो रही है, तो बारिश में ये भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हो कॉलेज तो एकदम बेहतरीन है। और ये पीछे जो आप देख रहे हो तो ये है पीजी हॉस्टल्स, तो ये जो देख रहे हो वो है पीजी हॉस्टल फॉर गर्ल्स, और ये बाकी के हॉस्टल्स। बारिश थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है अब। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आज भी भीगना पड़ेगा शायद से। इस तरफ है कैंटीन, और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन्स। भारतीय विद्यापीठ इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में है भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज। वेट, आई विल शो यू दैट बिल्डिंग। दिस इज भारतीय विद्यापीठ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, जो मैंने आपको कहा था कि सेम कॉलेज कैंपस में एक एमबीबीएस कॉलेज भी है, तो दिस इज दैट कॉलेज। एंड फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी पर ईयर फीस है नियरली 22 लाख, एंड हॉस्टल फीस इज अराउंड 2.5 लाख। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू परस्यू योर एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम private institute, you can think about Bharati Vidyapeeth once, because this is one of the prestigious college. और आप देख सकते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, फर्स्ट फ्लोर पे फार्माकोलॉजी, सेकंड पे बायोकेमिस्ट्री, एंड लास्ट फ्लोर पे है एनाटॉमी डिपार्टमेंट। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट टू देयर वेबसाइट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड इफ पॉसिबल विजिट टू द कैंपस वंस, सो यू कैन गेट मोर आइडिया अबाउट दिस कॉलेज कैंपस। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लोर कॉलेज, आज आई कैन देखी कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस है, तो कॉलेज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द पुणे, जैसे कि इंजीनियरिंग, बी एच एम एस, बी एम एस, एम बी बी एस। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो बताना मत भूलना। और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अब अगर कुछ और डाउट्स हुए तो इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर मैसेज क्लियर कर लीजिए। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू सॉल्यूशन। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक भाई लोग बस गाँव में आ रहे हैं।